क्या आपको पता है कि लीप ईयर 4 साल के बाद ही क्यों आता है? तो ये जानने के लिए ये वीडियो आखिर तक देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण अंतरिक्ष में अन्य पिंड के साथ परस्पर प्रभावित रहती है, विशेष रूप से सूर्य और चंद्रमा से, जो कि पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। तो इसी प्रकार से ये हम कह सकते हैं कि सूर्य के चारों ओर परिक्रमण के दौरान पृथ्वी अपनी कक्षा में 365 बार घूमती है। फ्रेंड्स, इसे ही हम एक साल कहते हैं। इस प्रकार से पृथ्वी का एक साल लगभग 365.26 दिन लंबा होता है, मतलब एक साल में 365 दिन के साथ 6 घंटे भी बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों, अब तुम्हें समझ ही आया होगा कि 4 साल में 24 घंटे हो जाते हैं, मतलब 4 साल में 365 दिन के साथ एक दिन को भी ऐड किया जाता है। इसीलिए एक दिन को एडजस्ट करने के लिए 4 सालों में एक दिन बढ़ा जाता है और वो दिन होता है 29 फरवरी। इस प्रकार से 4 सालों में एक बार लीप ईयर आता है और हमारा नेक्स्ट लीप ईयर है 2020 का। तो दोस्तों, अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना। फिर मिलेंगे एक और नए अमेजिंग फैक्ट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो।